माना जा रहा था कि गुरुवार को दिल्ली के राव सेवेन्यू कोर्ट का फैसला आने के बाद सांसद बृजभूषण सिंह के टिकट को लेकर तस्वीर साफ हो जाएंगी, लेकिन अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होने के चलते कैसरगंज का राजनीतिक अखाड़ा सूना है और क्षेत्र में सन्नाटा पसरा हुआ है। पिछले दिनों दिल्ली में अपने पैतृक गांव विष्णुहरपुर पहुंचने के बाद बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह लगातार 4 दिनों तक अपने निर्वाचन क्षेत्र कैसरगंज में वाहनों के काफिले के साथ मैराथन जनसंपर्क कर चुनावी शंखनाद किया तो राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। एक एक दिन में 25-25 कार्यक्रमों के आयोजन ने कैसरगंज क्षेत्र की राजनीति में गर्मी ला दी थी, लेकिन प्रशासन द्वारा आचार संहिता उल्लंघन का नोटिस थमाए जाने और मुकदमा दर्ज होने के बाद उनका काफिला रुका तो, लेकिन इस दौरान तमाम आयोजनों में वे लगातार शामिल हुए। इस बीच महिला पहलवानों के मामलों में 18 अप्रैल को दिल्ली के राउत एवेन्यू कोर्ट का फैसला आना था, जिसमें सांसद बृजभूषण सिंह दिल्ली चले गए। क्या खास बात यह है कि बीजेपी के साथ ही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी अभी तक अपना कैंडिडेट कैसरगंज से नहीं उतार पाई है। इसमें कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र में कहीं भी चुनावी हलचल नहीं दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी टाइम्स।